जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आप सबकी बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है फाइनली। और जो बच्चे सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, उन सबके एग्जाम स्टार्ट आपके 5 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चों के डाउट ये हैं कि क्या हॉल टिकट अनाउंस हो चुकी है? तो नहीं गाइस, आपका अभी हॉल टिकट अनाउंस नहीं हुआ है। हॉल टिकट आपका एग्जाम से सिर्फ कुछ दिन पहले अनाउंस होगा। जब भी हॉल टिकट आपका अनाउंस होगा, मैं आपको वीडियो के जरिए इन्फॉर्म कर दूंगा। अब कुछ और बच्चों के डाउट्स है कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कहते कम टाइम लगेगा, किस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो उसके लिए गाइस आप एक काम कर सकते हैं, मैंने ऑलमोस्ट बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं और साथ ही साथ उन सब के नोट्स भी अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप सबसे पहले उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कहते हैं देख के उनकी कंप्लीट सीरीज भी मैंने बना रखी है यूट्यूब पे, जिसका मैंने लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से भी जाके आप कहते हैं चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ बच्चों के डाउट ये भी थे कि डेट शीट क्या ये फाइनल रहेगी, क्या इसके बाद भी डेट शीट चेंज हो सकती है? तो गाइस ये अभी आपकी कहते हैं 13 मार्च को SOL ने ऑफिशियली फाइनल डेट शीट अनाउंस कर दी है। अब डेट शीट चेंज होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि क्या कोरोना वायरस की वजह से एग्जाम डिले होंगे या फिर एग्जाम कैंसिल होंगे? तो अभी तक गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक स्कूल कॉलेज बंद है 31 मार्च तक, और आप सबके जो एग्जाम स्टार्ट है वो 5 अप्रैल से हैं, और मे बी जो आपका एग्जाम होता है वो होता भी कहते हैं सिर्फ 3 घंटे के लिए है, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग अभी भी कहते हैं पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो भी आराम से पास हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी से आपको पढ़ना स्टार्ट करना होगा तो ही आप पास हो पाओगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप चीटिंग के जरिए पास हो जाएंगे, सो इट्स रियली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो करना क्या है, आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, अपने सब्जेक्ट देखो आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकालो, फिर उनके आंसर्स की प्रैक्टिस करो। और हाँ, सभी बच्चों के लिए कहते रहेगा बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कि आपको मिनिमम 3 पेजेस भर के आने हैं हर आंसर्स के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 से 2 पेजेस भरे तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम 3 से 4 पेजेस भर के आए हर क्वेश्चंस के लिए। और जो बच्चे सेमेस्टर 1 के हैं, बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के, उनके लिए सब कुछ नया है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी मतलब डाउट ज़्यादा रहते हैं बच्चों को, किस तरीके से क्या होगा, हॉल टिकट कब आएगा, एग्ज़ाम कैसा हुआ, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा हुआ, क्योंकि अभी CBCS का जो पैटर्न है वो अभी सबके लिए बहुत ज़्यादा नया है। तो घबराए मत, बाकी जो भी डाउट्स रहेंगे मैं बताता दूंगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे बताएं कमेंट बॉक्स में, डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। और हाँ, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, नोट्स का लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारे नोट्स अवेलेबल हैं, तो जाके नोट्स को चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने डेट शीट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाके भी आप अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अपनी डेट शीट चेक कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कब है। टिल देन, वॉच वीडियोस, लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।